टीवी के सामने आने का नहीं, आई यूज टू बी अ वेरी शाई पर्सन, मुझे घबराहट होती थी. लाइक मुझे याद है कि स्कूल में एक दफ़ा एक प्ले में मुझे परफॉर्म करना था तो मैं घबरा गया था. जब मैं रिकॉर्डेड खबरें पहली दफ़ा पढ़ रहा था, एक्सीडेंटली मैं ऑन एयर हुआ था, कोई ऐसा शॉक वॉक नहीं था. वो शादी तो मेरी 20 साल की एज में हो गई थी. ये तो जबरदस्ती वाली शादी, मेरी अम्मा ने 18 साल. हालांकि देख के खुदा की कसम मैं हैरान हूँ, लगता नहीं है कि तुम शादी शुदा और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं. माशाल्लाह. तो शुरू से शौक था टीवी के सामने आने का? टीवी के सामने आने का नहीं, आई यूज टू बी अ वेरी शाई पर्सन, मुझे घबराहट होती थी. लाइक मुझे याद है कि स्कूल में एक दफ़ा एक प्ले में मुझे परफॉर्म करना था तो मैं घबरा गया था. जब मैं रिकॉर्डेड खबरें पहली दफ़ा पढ़ रहा था, एक्सीडेंटली मैं ऑन एयर हुआ था, कोई ऐसा शॉक वॉक नहीं था. राइट. अच्छा, तो सती ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई क्या की है आपने? मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में. मास कम्युनिकेशन में उसमें क्या पढ़ाते हैं यार? दैट इज कुछ फायदा होता है न्यूज़ रीडिंग की तरह कुछ पढ़ाते हैं? अब होगा फायदा. अच्छा, उसमें जो पढ़ाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर के तहत जो हाँ. आपका एनवायरनमेंट है न्यूज रूम का, यहाँ आए तो यहाँ वही देसी स्टाइल है, सरकारी जॉब की. अच्छा, लेकिन वैसे ये होता है कि हर मुल्क के हिसाब से एक तो बेसिक सा एक कोर्स होता है ना आपका. हाँ. लेकिन उसके अंदर फिर आगे जो है वो चीजें अपने मुल्क के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से चीजें चेंज. 12-14 साल आपको भी हो गए. हाँ. दोनों को एक वही 8-8, 9-9 घंटे की ड्यूटी. हाँ, है नहीं मेरा अब सिलसिला, सिंस आई हैव स्टार्टेड द मॉर्निंग शो लास्ट जून से, तो तब से अब ये है कि वो सिलसिला नहीं है. मतलब अब इसके अंदर ये है कि 3-4-5 घंटे का टोटल. टोटल लेकिन पूरा दिन निकल ही जाता है. 6 घंटे आप आना जाना, ये वो पूरा दिन तो निकल. हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे.